एक ब्रेकिंग बातमी समोर येते। देशात वाराणसी आणि नागपुरातील अजनी हे मल्टी मॉडल रेल्वे स्टेशन होत असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी केली आहे। या ठिकाणी हॉटेल, लॉज, हॉल पार्किंग, फूड पार्क, शॉपिंग असे असेल। याशिवायच नागपूर शहरातून वाहणारी नागनदी स्वच्छ करून त्यातून वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याची संकल्पना असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं। नागपूर शहराजवळच असलेली शहरं ब्रॉडगेजनं जोडण्यात येतील आणि या शहरांमध्ये 100 मेट्रो रेल्वे चालवण्यात येतील असंही नितीन गडकरींनी सांगितलं। नागपुरात एका कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरींनी ही माहिती दिली आहे। ये एक सपना है कि नागपुर में नाग नदी जो है उसको 1700 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। तो बहुत डिफिकल्ट सपना है, पर मैं देखता हूँ, सपने देखना और पूरे करना ये भी एक टास्क होती है। नाग नदी का उपयोग करके शुद्ध और स्वच्छ पानी लेकर अंबाजरी के एंड से पार्डी तक नाग नदी में भी वाटर टैक्सी चलेगी और लोग बैठकर प्रवास करेंगे। ये देखकर हमने अभी करते करते अब 1700 करोड़ रुपए नाग नदी के लिए मंजूर हुए, तो ये एक प्रकार से मल्टी मॉडल हब है। हम लोग नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से रामटेक और नागपुर से वर्षा, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से अमरावती, ये पूर्व को ब्रॉडगेज मेट्रो से जोड़ रहे हैं और इसको अनुमति मिल गई है। अब इसमें मेरे अंदाज से 5 साल के बाद 100 मेट्रो कम से कम चलेगी।